नमस्कार दर्शक बंधु, भाग्य कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मास्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरस्वती हाजरा। दर्शक बंधु, आपर जो कार्यक्रम देखुंत संपूर्ण भाव में आस्ट्रोलॉजिकल रिलेटेड लाइव कार्यक्रम, तेणु आपर जातक जनित जो समस्या रोचे पारिवारिक समस्या हो, अर्थनैतिक समस्या हो, पिलांकर एजुकेशन को लेकिन चिंतित, निजर जॉब करियर को लेकिन चिंतित, तेज दर्शक बंधु बिल्कुल व्यस्त होगा दरकार नहीं। आपंकर टीवी स्क्रीन में देखूँ 0674 जो नंबर दि जाऊँच से ही नंबर में आपंकर टीवी शो समय आमको कल करूँ। जदि आपंकर कल लगी आम चेष्टा करूँ आपर समस्त प्रकार क्वेश्चन आंसर देवाई। मात्र दर्शक बंधु, ये मोर गोटे अनुरोध, जदि आपंकर कल लगी दयाकर टीर भल्यूम टाक संपूर्ण भाव में म्यूट करने सहित डायरेक्ट टेलीफोन मध्यम सहित जोजोग करूँ। कल करा समय सठिक जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान रखी कल करने सहित क्यों विषय में क्वेश्चन जानवाक चाहते ठीक से क्वेश्चन उपर फोकस रखी क्वेश्चन पचारतु। तेज दर्शक बंधु, आगे तो आम बहुत गुड़े कल नहीं जावा, मात्र पूर्व देखी ना जम दिन पंजिका और राशिफल आपंकर कौन कौन। आज हूँ 20 मार्च 2021 मसीहा शनिवार, सार्वजनीन पखाड़ दिवस। आज चंद्र वृष राशि अहरात्र, तिथि सप्तमी तिथि अहरात्र, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, दिन 4:45 गते मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाउछंति। राहु काल दिन 8:45 ठारु 10:24 पर्यंत, शुभ समय दिन 10:54 ठारु 1:06 पर्यंत। घात चंद्र बिछा राशि अहरात्र, घात बार वृष सिंह एवं कन्या राशि। दर्शक बंधु, ये थी आज दिन आपंकर पंजिका विषय में। एवं आसतु देखि ना राशिचक्र 12 राशि, मेष राशि मीन राशि आज आपंकर दिन टी के राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि मन प्रसन्न रहा सहित प्रियजन मानू शुभ खबर मिल और लिखन पठन अधिकांश समय बीतव, अन्य को साय कर आत्मसंतोष लाभ करेंगे। राशिचक्र द्वितीय राशि वृष राशि। वृष राशि आज आपंकर घात बार, मुंड बिंधा, उदर पीड़ा भाई असुस्थता जोग देखा दूसरी, कौन सी भी कार्य ठीक भाव में तुलाई पारे ना, धार कर जी आप। राशिचक्र तृतीय राशि होती मिथुन राशि। मिथुन राशि आज आपंकर उत्तम आयोजक रोच, मन प्रफुल्ल रहा सहित सुस्वादु भोजन प्राप्ति जोग देखा दूसरी, शांतिर वातावरण मिल, सुसंवाद प्राप्ति सहित दाम्पत्य जीवन सुखबोध र। राशिचक्र चतुर्थ राशि होती कर्कट राशि। कर्कट राशि जीवन आनंददायक रहा सहित मान सम्मान प्राप्ति जोग, बंधु सहयोग प्राप्ति जोग, अकस्मात धनलाभ सूचना मिलूँ, सुस्वादु भोजन प्राप्ति होगा सहित पारिवारिक जीवन आनंदमय शांतिमय भाव में कटार संभावना जोग रही। तेज दर्शक बंधु, आगू तो सिंह राशि मीन राशि 8 राशि विषय में आम आलोचना करने, मात्र पूर्व देखने आज आम दिन प्रथम दर्शक आम सहित फोन मध्यम किए अवस्थित रही। हेलो आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा किए कहते हैं? खोर्धा जिला रु बेबी कहूँ। खोर्धा जिला रु बेबी मैडम, कहा विषय में जानकारी चाहिए कहतु? मो झील विषय कहतु, जन्म तारीख जन्म समय। आज्ञा मो झील 27/6/2003। 27/6/2003 मसीह समय। समय 4:51। आज्ञा मैडम, खोर्धा 4:51 कहले आपनकर राति भोर भोर ना खराब संध्या? आज्ञा कौन जानकु चाहिए कहतु? ये मो झीर पाठ पढ़ा मेडिकल दब एंट्रांस दब आग विषय। अच्छा, एबे को क्लास रे पढ़ुछंती? एबे प्लस टू साइंस दब सेकंड ईयर। अच्छा, देखो तो रोहिणी वृष राशि जातक। रोहिणी वृष राशि जातक सहित लग्न जातक बिछा लग्न जातक। वृष राशि बिछा लग्न रवि बुध एकत्रित बहुत भल जातक, बुध आदित्य योग जातक। पिला बहुत भल पाठ पढ़ मन रख, बहुत भल पाठ मन रख। बृहस्पति उच्च क्षेत्र में पिलार अवस्थित, बुध स्वघर अवस्थित, शुक्र स्वघर अवस्थित, मंगल भल क्षेत्र में अवस्थित। पिला चाहिए मेडिकल लाइन से पाठ पढ़ की आगे बढ़िया को इच्छा कर संभावना योग रही। मात्र मेडिकल एंट्रान्स पाइबे 2022 2021 एंट्रान्स जो देखा दूना 2022 एंट्रान्स पाओ पाओ से समय पर्यटन आप टे अपेय करूँ। आउ बर्षे ये बर्षा तो ये भल जो देखा दूना, आर वर्ष को निश्चिंत भाव में से कृतकार्य हे एंट्रान्स। जदि सुविधा होपणकर पिला को गोटे आपंकर गणेश लकेट गोटे रूपार हो सुनार हो धारण करने दिंतु, से बहुत भल होगा सहित आगामी भविष्य जीवन भल कटो। आंशिक कालसर्प जोगर जातक रही, आंशिक कालसर्प जोगर प्रतिकार पूजा जेकोसी शिव मंदिर दर्शक बंधु देखने नेक्स्ट दर्शक फोन लाइन अच्छा। हेलो हेलो आज्ञा किए कहते हैं? राजश्री साहू मैडम कौन क्या विषय जानते? हेलो हेलो हाँ कौट कौन मैडम क्या विषय जानते? पुओ विषय जानक चाहते पुओर जन्म तारीख जन्म समय 2003 4 June 2003 मसिया समय 8:32 आपनकर मॉर्निंग ना इवनिंग? इवनिंग 8:32 कौन जानक चाहते कहतु?
अच्छा एबे कोन पढछंती पु आपनकर अच्छा देखंतु जातक अनुजाई पुष्या कर्कट राशि रा जातक लग्न जातक रे आपनकर होची धनु लग्न रा जातक पुष्या कर्कट राशि धनु लग्न जातक रे बुध शुक्र एकत्रित ए जातक रे मध्य बुधादित्य योग रहिची रवि जातक रे प्रॉब्लेमेटिक अवस्था रे रहिले रवि वृष घरे रविंकर स्थिति शुभ नुहे ए जातक रे आपनकर बृहस्पति तो उच्च क्षेत्र रहिछंती रवि उच्च क्षेत्र सॉरी जो बुध शुक्र गोटे घरे अवस्थित रहिछंती रवि मात्र जातक रे प्रॉब्लेमेटिक अवस्था रे रहिछंती बुध शुक्र जातक रे जेतु गोटे घरे अवस्थित रहिछंती सरकारी कर्म क्षेत्र रे पिलार योगदान देवार जो जातक ही जातक पिलादि चेष्टा करिवो कोनोसी सरकारी कर्म क्षेत्र रे योगदान करि परिबो पिलार एजुकेशनल लाइन टा देखौची सेदि भविष्यत रे चाकरी करिवो एजुकेशनल लाइन रे चाकरी करिवार योग मध्य देखौची रबिंग को पाई मन करिके यदि रवि राहु युक्त होइकि पुनी रहि जाइछंती जातक रे रवि जेतु राहु युक्त होइकि रहिछंती रवि तांको पाई एत शुभकारक ग्रह नै ता छोरा राहु कारक राहु युक्त होइकि मध्य रहिछंती मन करि रबिंग को पाई रुबी स्टोन गोटे धारण करियाकु देबे आ गोटे कथा जातक रे आपनकर बृहस्पति चंद्र जेतु गोटे घरे अवस्थित रहिछंती गजकेश्वरी योग मध्य रहिछि जातक रे बहुत शुभ जातक जातक गजकेश्वरी योग जेतु रहिछंती कर्म क्षेत्र तांकर बहुत स्ट्रांग अछि सरकारी कर्म क्षेत्र रे योग देबा सहित आगामी भविष्य जीवन मध्य तांकर बहुत भल रे रहिबो एवं तांकर गजकेश्वरी योग योग बहुत नेम फेम मध्य भविष्य रे करिवार संभावना योग मध्य ई जातक रे रहिछि 2026 मसिया रु 2028 मसिया मध्य रे पिला कर्म क्षेत्र रे योगदान करि सर्तिबो दर्शक बंधु एबे सुन देखि नबा हमर नेक्स्ट दर्शक हम तो फोन लाइन रे रहिछंती हेलो हेलो आज्ञा के कोछंती कोठु कोछंती कहि रखंतु आज्ञा मो सुप्रिया कोतली भुवनेश्वर सुप्रिया मैडम भुवनेश्वर का विषय रे जानिया को चाहिबे कोंतु मो निज विषय जानिया पाइ कोंतु जन्म तारीख जन्म समय 29th जनवरी 88 आज्ञा टाइमिंग ता 2 PM अच्छा कोन जानिया को चाहिबे कोंतु मोरो बाहागर विषय रे और करियर विषय रे मैरिज हे जाई छी करियर के मिथि अछि मैरिज हे नै पजंत ना ना अच्छा देखंतु जातक कोन जे जातक होउछि मृगशिरा वृष राशि रे जातक मृगशिरा वृष राशि रे जातक सहित लग्न होउछि आपनकर वृष लग्न रे जातक जातक दृष्टि रु आपनकर सप्तम क्षेत्र रे मंगलंकर स्थिति ए जातक रे 7th प्लेस रे मंगलंकर स्थिति रहि जाइछि निश्चिंत भाबे विवाह त हबो मात्र लेट विवाह होइछि सेटा मध्ये आपनक पई भलो काहे कि ना मंगल दोष थिला आपनकर लेट विवाहटा आपनक पई शुभकारक होइथाय जातक रे आपनकर चंद्र लग्न रे अवस्थित रहिछंति मानसिक स्तर रे प्रबल विचलता अनुभव मध्ये करूछंति बुध शुक्र एकत्रित अछंति भल हजबैंड आपनकर पाइबे हजबैंड लाइन टा बहुत भल अछि मेडिकल रिलेटेड लाइन नचेत आपनकर बायोटेक्नोलॉजी लाइन एइल सब लाइन रे पिला कर चाकरी करथुवा पिला सहित आपनकर विवाह जोग देखा दउछि किंबा मैनेजमेंट रे थिबो एमबीएफ एमबीए करिकि मैनेजमेंट रे रहिथिबे घर ठारु दक्षिण दिग को आपनकर विवाह जोगटा देखा दउछि विवाह जोग मध्य खोली गलानी जदि चेष्टा करंतु गोटे रेड कोरल टा डाहाना हातर रिंग फिंगर रे रेड कोरल डाहाना हातर रिंग फिंगर रे धारण करंतु सेइटा आपनकर पई बहुत भल रहिबो एवं विवाह मध्य आपनकर बहुत जल्दी मध्य हेबाकू जाउची टिक एही वर्ष आपनकर विवाह जोग देखा दउची 2021 मसे जुलाई मास मध्य रे आपनकर विवाह जोग देखा दउची भल पो सहित विवाह हबो एवं हटात उपर विवाह स्थिर होई कि विवाह जोगटा देखा दउची आगरु स्थिर होले मध्य भांगी जिवार संभावना जोग रहिछ मात्र एबे जोटा आपनकर देखा दउची हटात उपर स्थिर हबो हटात उपर विवाह होई जिवो सेति सबत आपन अपेक्षा करंतु अति बेसी हेले 2022 मसे जनवरी मास 18 तारिख जदि अति बेसी होची 2022 मसे जनवरी मास 18 तारिख पंत जीव नचेत नै जून जुलाई भितर आपनकर विवाह जोगटा देखा दउची दर्शक बंधु एबे सुन देखि नबा हमर नेक्स्ट दर्शक हमसे फोन लाइन अछंती हेलो हेलो आज्ञा के कुछ देखे कोठ कुछ दिखुतु एम कामाख्या नगर कहतली संयुक्ता कामाख्या नगर संयुक्ता मैडम का विषय जानिया को चाहिबे कोंतु ए पुओ विषय रे जानिया पई चाहू कोंतु जन्म तारीख जन्म समय एटा 1988 मसिया जुलाई 6 तारीख बुधवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष गोटे मिनिट 6 जुलाई केते कुछंती 1988 मसिया जुलाई 6 तारीख बुधवार रात्र 9:25 मिनिट अच्छा कोन जानिया को चाहिबे कोंतु मैडम कोन जानिया को चाहिबे पुओ रे कोंतु 6 जुलाई बुधवार रात्र 9:25 मिनिट मैडम कोन जानिबा को चाहिबे कोंतु ए पुओटा पुओर बाहाघर विषय रे टिके जानिया को चाहुती आज्ञा पुओर चाकरी विषय रे टिके जानिया को एबे एबे चाकरी रे अछंती ना चाकरी रे नाहंती एबे चाकरी रे अछंती जे परमानेंट नाही त कॉन्ट्रैक्चुअल टेक पाइन टिके चाहुती
अच्छा देखन्तु जातक अनुजाई जातक तो आपणकर मोटामोटी देखिया गले भल जातक जातक होउछि आपणकर मीन राशि रे जातक कुंभ लग्न रे जातक मीन राशि कुंभ लग्न रे जातक रेवती मीन शेष राशि शेष नक्षत्र रे जातक जातक रे आपणकर कर्म विषय रे एठी आपणकर क्वेश्चन पचारछन्ती कर्म आपणकर स्थिरता रे भाव रहइबो ए जातक रे आपणकर बुध शुक्र जेतु एकत्रित रहिछन्ती कर्म स्थिरता भाव आसी जीव भविष्य रे आपणकर कर्म तांकर परमानेंट कर्म जोग देखा दउछि यदि से चेष्टा करबे सरकारी कर्म क्षेत्र रे मध्ये योगदान करिबे संभावना जोग रही जातक बहुत विषय क्वेश्चन जातक बहुत निश्चिंत भाव में भल झी सहित होपर आंशिक कालसर्प जोग जातक आंशिक कालसर्प जोग प्रतिकार पूजा जेकोसी शिव मंदिर नवनाग मेथड अनुजाई कर दिंतु से पुपाई बहुत भल रतक घर ठारु उत्तर दिगरे जातक बहुत जोगटा देखा दूसरी घर ठारु उत्तर दिगरे बहुत जोग देखा दूसरी वैवाहिक जीवन मोटामोटी देखा गले भलि आपणकर वर्ष शेष भागर 2022 मसीहा जनवरी मस भितर हबार संभावना जोग रही से समय पर्यटन अपेक्षा करूँ देखिए निश्चिंत भाव में भल पात्री सहित जातक बहुत जोग आगक अनुषित हो दर्शक बंधु आम तो आलोचना कर सारी आपंकर कर्कट राशि पर्यटन कर्कट राशि पर सिंह राशि आज आसतु देखी ना कमी जाऊँ दिन की सिंह राशि आज आपंकर घातबार मन विषण रहा सहित अशांतिर वातावरण देखा दूसरी दुश्चिंता दे कि गति करेंगे शारीरिक किंवा मानसिक आघात प्राप्ति आय व्यय प्रायत सामान अवस्थित आज आपंकर देखा दूसरी राशिचक्र नेक्स्ट आज होती कन्या राशि कन्याशि घातबार हेतु सतर्कता सह चलतु व्यस्तता मध्य दिन की कटो कौन दुसंवाद पाई मन विचलित र बाद बिवाद दूरे की रुंतु कथबार्तार संयमता रक्षा कर चलतु राशिचक्र नेक्स्ट आसी तुलाशि तुलाशि शरीर आरोग्य रहा सहित प्रतिजोगिता मनोभाव नहीं कि कार्य करेंगे आर्थिक स्थिति स्वच्छल रपण दिन की सुख स्वच्छंद भरा राकुर दर्शन सौभाग्य रही राशिचक्र नेक्स्ट आसी बिछाराशि बिछाराशि घातचंद्र हेतु शारीरिक पीड़ा पाईपारती दृढ़ मनोबल जो प्रत्येक कार्यर सफलता प्राप्ति निर्दिष्ट समय पूर्व कार्य संपादन करेंगे आय क्षेत्र उत्तम जोग सहित पारिवारिक सुख शांति लाभ करेंगे राशिचक्र नेक्स्ट आसी धनुराशि धनुराशि मन प्रफुल्ल रहा सहित उत्साह सहित कार्य तुलाइबे अकस्मात सुसंवाद प्राप्ति जोग विभिन्न सूत्र आयर जोग रोचे नवविवाहित सुखी जीवन अतिवाहित करेंगे तेज दर्शक बंधु आगक तो तीन टा राशि विषय आलोचना करवा मकर राशि मीन राशि पर्यंत मात्र पूर्व देखी ना आज आम दिन नेक्स्ट दर्शक आम सहित फोन मध्यम किए अच्छा हेलो हेलो आज्ञा मैडम दयाकूम म्यूट कर वॉल्यूम म्यूट कर भुवन आज्ञा क्या विषय जाना चाहिए किए कह जन्म तारीख जन्म समय मैडम तीस मे के मसीहा रखु समय आज्ञा कौन जाना चाहिए कहतु पु पढ़ापढ़ी विषय भविष्य भल मनस आज्ञा कौन पढ़ुची राशियाधिपति लग्नाधिपति होचंती शनि जातक राशियाधिपति लग्नाधिपति शनि शनि सप्तम क्षेत्र में अवस्थित रही कर्कट घर शनि स्थिति रही रवि बुध एकत्रित बुधादित्य जो जातक पाठ पढ़ा लाइन निश्चिंत भाव में भल अच्छी मध्यम धरण पाठ पढ़ा सहित कर्म जीवन जातक भल रही मध्यम धरण पाठ पढ़ले कर्मस्थान बहुत स्ट्रंग हेतु पिला बहुत भल कर्म क्षेत्र में योगदान कर जातक वर्तमान चली बृहस्पति महादशा राहु अंतर्दशा पिला राहु नक्षत्र जन्म ग्रहण कर बृहस्पति और महादशा राहु अंतर्दशा जेतु चली 2023 मसीहा अप्रैल मास पर्यंत कंटिन्यू कर मन विचलित रहा प्रबल मात्रा रे राग क्रोध इत्यादि जाग्रत रहा
ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶନି ମହାଦଶା ପଡ଼ିବ। ମନେ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା, ଆପଣଙ୍କର ବୈଶାଖ ମାସରେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା ଯେକୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଅର ଗୋଟେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ମହାଦଶା 2023 ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ପିଲା ଜାତକରେ। ଶନି ମହାଦଶା ଯେହେତୁ ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାକୁ ଟିକିଏ ସାଙ୍ଗସାଥିଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିବେ, ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ହାତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଘୋଡ଼ା ନାଲ ମୁଦି ଗୋଟେ ମିଳେ, ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚପାଳି ଶନି ମେଳା ମନେ କରି 2023 କରିଦେବେ। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ଯେଉଁ ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ତାର ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ମହାଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। 19 ଶନି ଆଗକୁ ରହିବେ 2023। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳକୁ ମନେ କରି ପ୍ରତିକାର କରେଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ରହିବ, କାହିଁକିନା ପୁରା କ୍ୟାରିୟର ପିରିୟଡ଼ଟା ତାର ଶନିରେ ପଳାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶନି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ମନେ କରି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରେଇଲେ ଯେତିକି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଉମାକାନ୍ତ ଦଳେଇ କହୁଥିଲି। ଉମାକାନ୍ତ ଦଳେଇ ବାବୁ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀରୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହା ବିଷୟରେ, ଯୋଉ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋରି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଆଉଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉଥରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସଠିକ୍ ଇଂଲିଶ ମତରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ବାହାରି ପାରିବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଧନୁରାଶି ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ମକର ରାଶିର ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଯାଉଛି। ମକର ରାଶିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ରହିବେ, ଆୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅବ୍ୟାହତ ରହିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭୋଗବିଳାସରେ କଟିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ଆସିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହିବ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗ୍ରହଣରେ ଦିନ କାଟିବେ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରତିଯୋଗ ସହିତ ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଯୋଗ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନର ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫୋନ୍ କଲ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନର ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯଷ୍ଟ ସରି ସରି ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଲୋୟର ଏଜୁକେସନ୍ ସରିଯାଇଛି, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗ୍ରହ ଯଦି ପୁଣି ନେଗେଟିଭରେ ଥାନ୍ତି ଯଦି ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତାହା କ୍ୟାରିୟରରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପିରିୟଡ଼ରେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ନିଚସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ସେହି ମହାଦଶା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାଏ ସେହି ମହାଦଶା ଆଦି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲୋୟର ଏଜୁକେସନ୍ ସରିକି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ, କର୍ମଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମହାଦଶା ସବୁ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଚଳତା ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚ୍ୟୁତି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାରିୟର ପିରିୟଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇ ନେବା କଥା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମହାଦଶା ପଡ଼ିଛି। ଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ମହାଦଶା ପଡ଼ିଛି, କି ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ପଡ଼ିଛି, କି ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ପଡ଼ିଛି, ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରହ ଯଦି ଅଶୁଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇକି ସେହି ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଗ୍ରହର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରେଇଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଯଦି ରାହୁ, କେତୁ, ଶନି ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ପିରିୟଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମନେ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷକୁ 3 ବର୍ଷ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା ମନେ କରିକି କରାଉଥିବେ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା କରେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ନେଗେଟିଭିଟି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ରାହୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି କ୍ୟାରିୟର ପିରିୟଡ଼ରେ, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ମନେ କରିକି ଗୋଟେ ସ୍ଫଟିକ ମାଳା, ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସ୍ଫଟିକ ଓରିଜିନାଲ ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ଆପଣଙ୍କର ବେକରେ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ତାକୁ ଯଦି ରୂପାରେ ଯଦି ଗୁନ୍ଥିକି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଚନ୍ଦନ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଏବଂ ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାଧା ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ କେତୁ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ମିଳେ, ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସ ଶନୈ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର 10th 12th ବୋର୍ଡ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କରାଇ ପାରିବେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ସହିତ ରାହୁ କେତୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶନି ମହାଦଶା ପଡ଼ୁଛି, ମନେ କରିକି ପାଞ୍ଚପାଳି ଶନି ମେଳା ମନେ କରିକି ତାଙ୍କର କରାଇଦେବେ ବୈଶାଖ ମାସରେ, ତେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକାରକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7:30-8 କେବଳ ଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ଟିପ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କହେ ଘର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସକାଳ 7:30-8 କେବଳ ଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଆପଣ ଜାଣୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନାହିଁ ତ, ଯଦି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିପରି କରିପାରିବେ ତାର ପ୍ରତିକାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ତ ବିଦାୟ।